माँ शाकुम्भरी देवी मंदिर से पूर्व स्थित भोरादेव मंदिर में भक्तों को पहले प्रसाद चढ़ाना आवश्यक है। मान्यता है कि माँ शाकुम्भरी देवी के दर्शन से पूर्व श्रद्धालुओं को बाबा भोरादेव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना और उनके दर्शन करना अनिवार्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यदि कोई श्रद्धालु ऐसा नहीं करता है तो माँ शाकुम्भरी देवी के दर्शन करके भक्तों को उसका पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है। पुजारी राजन शर्मा ने बताया कि बाबा भोरादेव के विषय में पौराणिक कथाओं में संक्षेप में वर्णन किया गया है। कथाओं के अनुसार जिस समय माँ शाकुम्भरी देवी व राक्षसों का युद्ध चल रहा था उस समय माँ शाकुम्भरी के अनन्य भक्त बाबा भोरादेव भी राक्षसों से युद्ध कर रहे थे। उसी युद्ध के दौरान बाबा भोरादेव वीरगति को प्राप्त हुए थे। पुजारी जी ने बताया कि वर्णन है कि युद्ध समाप्ति के बाद जब माता शाकुम्भरी ने युद्ध स्थल से भोरादेव को मृत अवस्था देखा तो उन्होंने अपनी शक्ति से भोरादेव को जीवित कर दिया और माँ शाकुम्भरी देवी ने प्रसन्न होकर भोरादेव से वरदान मांगने के लिए कहा। बाबा भोरादेव ने माँ शाकुम्भरी से उनके चरणों में रहकर भक्ति करने की इच्छा जताई। तब माँ शाकुम्भरी देवी ने बाबा भोरादेव को वरदान दिया कि जो भी श्रद्धालु सिद्धपीठ पर मेरे दर्शन करने आएगा उसको पहले भोरादेव के दर्शन करने होंगे। मंदिर के पुजारी से सबसे पहले तो पंडित जी आपको परिचय। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सेमवाल हूँ, मैं यहाँ पे पुजारी हूँ, मुख्य पुजारी हूँ और काफ़ी साल से रह रहा हूँ। कितने साल से आप? मैं मुझे कम से कम 5-7 साल हो गए। यहाँ पे भोरादेव जो है माता के भगत है और माता का उनको वरदान है कि पहले दर्शन भोग प्रसाद योग होता है पहले यहाँ पे चढ़ता है। तो ये क्या परंपरा है? ये परंपरा तो ये तो बहुत पौराणिक बात है। जब माता का युद्ध हुआ था राक्षसों के साथ तो भोरादेव ये वीरगति प्राप्त हो गए थे और माता ने इनको जीवन दान दे करके जो है इनसे बोला कि आप क्या चाहते हो, तो भोरादेव ने कहा कि मुझे अपने चरणों में रखे। तो उस दिन से जो है भोरादेव जो है माता के परम भक्त हैं और यहाँ पे काफ़ी नवरात्र में बहुत ज़्यादा मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं। व्यवस्थाएँ भी ठीक ठाक है, पुलिस वगैरह है और जो यहाँ पे आता है उनकी मुराद जो है पूरी होती है। ठीक है।